अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आसमान में उड़ने वाले कौओं को तो आपने जरूर देखा होगा, जो अपने काले रंग की वजह से दिखने में बेहद डरावने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी कौओं को शिकार करते हुए देखा है? दरअसल ये कौवे अपनी चूंच से शिकार पर इतनी बेरहमी से हमला करते हैं कि पलक झपकते ही उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों, ये दुनिया में परिंदों की उस लिस्ट में शामिल है जिनका दिमाग काफी तेज होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको कौओं के कुछ ऐसे हमले दिखाने वाले हैं जहां कौवे खरगोश से लेकर मेंढक, गिलहरी और यहां तक के खतरनाक दिखने वाले हेजहॉग पर भी हमला करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। नंबर 1, प्रो अटैक फ्रॉग। दोस्तों, इस गार्डन में एक कौवे ने एक मेंढक को पकड़ रखा है और इसके जिस्म को नोचने में लगा है। मेंढक यहाँ से भाग ना पाए, इसलिए कौवा इसे पंजों में दबाए रखता है। ये कौवा मेंढक को इतनी बुरी तरह मारता है कि ये मेंढक अपनी जगह से हिल भी नहीं पाता और इसके मुंह का निवाला बनता रहता है। और फिर कौवा इस मेंढक को उठाकर एक झोंपड़ी पर चला जाता है और यहाँ पर पहुँचने के बाद भी ये कौवा इस पर रहम नहीं दिखाता और अपनी नोकीली चोंच से इसे नोच नोच कर खा जाता है। नंबर 2, क्रो अटैक्स रैबिट। दोस्तों, यहाँ एक खरगोश मैदान में घास खा रहा है, तभी इसकी नजर एक कौवे पर पड़ती है जो इसके बच्चे का शिकार करने के लिए इसे पकड़े हुए है। और जैसे ही खरगोश देखता है तो अपने बच्चे को बचाने के लिए दौड़कर इसके पास पहुँचता है। खरगोश कौवे को डराता है और कौवा डरकर थोड़ा दूर हो जाता है, लेकिन फिर खरगोश भी कौवे से डरकर अपने बच्चे को वहीं छोड़कर भाग जाता है। इसके बाद कौवा खरगोश के बच्चे को चोंच मार मार कर इसे पूरी तरह मार देता है। दोस्तों, अब हम आपको कौवे और खरगोश का एक और वीडियो दिखाने वाले हैं जहां कौवे ने फिर से खरगोश को पकड़ लिया है। लेकिन क्या कौवा इस खरगोश का भी वही हाल करेगा? चलिए देखते हैं। यहां कौवे ने खरगोश को अपने पंजों से जकड़ रखा है और इसके जिस्म पर लगातार हमला कर रहा है। दोस्तों, कौवे ने इसके पैर को इतनी मजबूती से पकड़ा हुआ है जिससे खरगोश को बचने का मौका ही नहीं मिल रहा और आखिरकार कौवे के लगातार हमले की वजह से खरगोश की मौत हो जाती है। नंबर 3, क्रो अटैक रैट। दोस्तों, कौवा अपने शिकार को पहले तो घेरने की कोशिश करता है और जब इसका शिकार पूरी तरह इसके जाल में फंस जाता है तो ये फिर इस पर हमला करता है। दोस्तों, जैसे कि यहाँ ये एक चूहे के साथ करने वाला है। मैदान में मौजूद अकेले चूहे को देखकर एक कौवा इसके करीब आता है और अपनी चोंच से इसे मारने लगता है। हालांकि चूहा भी इसके जवाब में वापस हमला करता है, लेकिन चूहे के हैवी होने से पहले ही कौवा इसकी पूंछ को पकड़ लेता है और जल्द ही इनकी लड़ाई भयानक रूप ले लेती है जिसमें कौवा भारी पड़ते हुए दिखाई देता है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि कौवे के लगातार हमले के बावजूद भी चूहा इस कौवे से नहीं डरता, बल्कि ये भी कौवे को डराता रहता है। काफी देर तक इनकी लड़ाई ऐसे ही चलती रहती है, लेकिन जब चूहे को ये लगता है ये इससे नहीं जीत सकता तो वो फौरन वहाँ से भागकर अपनी जान बचा लेता है। नंबर 4, क्रो अटैक ओस्प्रे बेबी। दोस्तों, कौवे की फूड की बात करें तो ये दरख्तों पर लगे फलों से लेकर मछली, मेंढक और चूहे को खाकर अपना पेट भरता है। लेकिन मौका मिलने पर ये दूसरे परिंदों के घोंसलों पर भी मंडराता रहता है, जैसा कि ये कौवा यहाँ एक ओस्प्रे के घोंसले पर पहुँच चुका है जिसे देखकर ओस्प्रे के बच्चे डर जाते हैं और कौवा बिना वक्त गंवाए एक बच्चे को पकड़ लेता है और इसकी चूंच को पकड़कर नोचने लगता है और आखिरकार कौवा इसे अपनी चूंच मार मार कर जख्मी कर देता है। वहीं घोंसले पर मौजूद दूसरे बच्चे कौवे को देखकर डर जाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि कौवा अब इन पर भी हमला करेगा और इसलिए ये इससे बचने की थोड़ी बहुत कोशिश भी करते हैं। लेकिन कौवा दूसरे बच्चे को भी गर्दन से पकड़ लेता है और उसको भी जख्मी कर देता है। अब बारी आती है घोंसले पर मौजूद तीसरे बच्चे की, जिसे मारने के लिए कौवा जैसे ही इसके करीब जाता है तो वहीं इसकी माँ पहुँच जाती है, जिसके बाद कौवा वहाँ से भाग निकलता है। दोस्तों, अब हम आपको कौवे का एक और घोंसले पर हमला दिखाते हैं। दोस्तों, यहाँ एक चिड़िया अपने बच्चे को खाना खिला रही होती है और खाना खिलाकर ये चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है और उसका बच्चा अकेला रह जाता है। और जैसे ही कौवे को ये बात पता चलती है तो कौवा फौरन वहाँ पहुँच जाता है और इस बच्चे को लेकर वहाँ से उड़ जाता है। नंबर 5, क्रो अटैक हेजहॉग। दोस्तों, अगर आप कौवे को एक मामूली परिंदा समझने की गलती कर रहे हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल हो सकती है, क्योंकि कौवा इस बार एक ऐसे जानवर पर हमला करने वाला है जिसका जिस्म कांटों से भरा हुआ है। दोस्तों, इस दरख्त के पास एक कौवा और एक हेजहॉग मौजूद हैं। यहाँ हेजहॉग अपनी प्यास बुझाने के लिए बोतल में पड़े पानी को पीने लगता है और कौवा मौका देकर हमला कर देता है। लेकिन कौवे के हमले को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये बोतल में रखा पानी खुद ही पीना चाहता था और इसलिए हेजहॉग के पानी पीने पर ये इस पर हमला करने लगता है। आखिरकार बोतल में पड़ा पानी जमीन पर गिर जाता है, जिसके बाद कौवा और भी गुस्से में आ जाता है और हेजहॉग पर लगातार हमला करता रहता है। नंबर 6, क्रो अटैक पिगन। दोस्तों, यहाँ कौवा एक कबूतर के ऊपर बैठा हुआ है और इसके जिस्म को नोचने में लगा है। वहीं पास में एक दूसरा कौवा भी मौजूद है जो शायद अपने दोस्त के लिए पहरादारी कर रहा है और ये कौवा इसे अपनी चोंच से जख्मी कर देता है। लेकिन फिर कौवे की पकड़ थोड़ी कमजोर हो जाती है और ये कबूतर इसकी पकड़ से छूटकर भागने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही ये भागने की कोशिश करता है तो ये दोनों कौवे इसे पकड़ लेते हैं और इसे अपना शिकार बना लेते हैं।
नंबर 7, क्रो अटैक स्क्विरल। दोस्तों अब तक तो आपको ये अंदाजा लग ही चुका होगा कि कवे अपने शिकार पर कितनी बेरहमी से हमला करते हैं, लेकिन अगर आपको इसकी जिंदगी पर शक है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये शक भी दूर हो जाएगा। यहाँ कवे ने एक गुलहरी को अपने जाल में फंसा रखा है और लगातार इस पर हमला कर रहा है। दोस्तों कवा इस गुलहरी पर इतनी बेरहमी से हमला करता है कि गुलहरी के बचने के चांसेस खत्म हो जाते हैं और फिर कवा इसे जख्मी करके इसे गर्दन से उठाकर फरार हो जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग देखते रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।